जय जोहर, स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज मां। मैं हूं आप मन संग प्रकाश। दिन भर के जबर खबर दिन भर सुर्खी में रही से ओखर बारे में हमन बात करबो। तो ये जो दिन भर के जबर खबर है ओखर बारे में बात करे बर हमर संग कुछ मेहमान भी जुड़ी रायपुर ले। सबले पहली तो आप मन के मैं परिचय करा देता हूँ ओखर ले। हमर संग जुड़ी रायपुर ले वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी, संगे संग सामाजिक कार्यकर्ता अमित जीवन जी हमर संग होही। आप दोनों जन के मैं स्वागत कर रहा था न्यूज 36 में। तो चलो दिन भर के जबर खबर ला शुरू करबो। सबले पहली जो आज दिन भर के जो सुर्खी रहे है, जो जबर खबर रहे है, वो ये है कि जो समुन सिंह है, समुन सिंह के ऊपर इनाम घोषित करे गए है। EOW SP है फरार समुन सिंह, गिरफ्तार करे बर अब इनाम की घोषणा कर दिए है। तो शर्मा जी, सबले पहली तो मैं आप मन के ही ये मां प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि पूर्व आबकारी आयुक्त है समुन सिंह, अभी तक ये देखे जात रहे से कि नक्सल क्षेत्र में कोई इनामी नक्सली ला पकड़े बर ये सब घोषणा करे जात रहे से, इनाम की घोषणा करे जात रहे से। फिर अब एक पूर्व आबकारी आयुक्त जेखर ऊपर बहुत ज़्यादा गबन करे के आरोप लगे है, पैसा के घपला करे के आरोप लगे है, ओखर बर अब जो EOW SP है वो इनाम घोषित करे है। कौन रूप में आपमन देखा था इला? ये समुद्र सिंह है वास्तव में भ्रष्टाचार के समुद्र के रूप में सामने आवा था। हमारे सामने छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग में दारू के जो काम चलते, ठेकेदारी काम है, ओला खरीदी बिक्री काम है, वो वक्त जब भाजपा सरकार रही थे तो ठेकेदार मन देखत रही थे, तो वो वक्त वह ठेकेदार मन के जो लाभ के हिस्सा रही थे, लाभांश रही थे, ओमा की गड़बड़ी के बात आते एक कर नीति तय करे में भी एक योगदान रही से, और जब जिंदगी भर नौकरी करे के बाद ओला जब रिटायर हो गए तब ओला 9 साल तक के वह OSD बना के रखे रही से आबकारी के, तो वो वक्त भी भ्रष्टाचार के बात है। ओकर बाद जब सरकार बदली तब फिर 116 पेज के नितिन भंसाली एक हमार भाई है कि कांग्रेस में आ गए हैं पहली जोगी संगरी से, वो शिकायत करी, पहले भी वो बहुत एक शिकायत करती लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे ओकर कहना है। अब जब कार्रवाई हुआ थे तो ओकर यहाँ छापा पड़ी तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कई ठंड जम्मू जिला में जमीन के खरीद के रखेगा। खबर तो यहाँ तक है कि 70 एकड़ जमीन अपन नौकर के नाम में लेकर जी रखे है। अब सोना चांदी नगद कतको रुपया ओकर तीन मिले हैं, तो अब पूरा जांच के लिए जरूरी है कि वो एक पकड़ में आवे। अब मुझे समझ में नहीं आते है कि हमार पुलिस जौन अतेक बड़ अपहरण के होरी से जेल अतेक बड़ा आके, तो खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अतेक बड़ सफलता पाए कि प्रवीण सोमानी उद्योगपति मतलब सुरक्षित अभी तक कहे जाते कि बिना पैसा के लेन देन के फिरौती की रकम नहीं दे लगी। तो पुलिस के दबाव में आकर के उत्तर प्रदेश लोल धर के लाए अतेक बड़ सफलता वाले हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस है, ये अधिकारी काबर नहीं पढ़ कर सकर थे, तेकर बर एक बड़े सवाल है। और आज के डेट में आज ओकर जब 10,000 रुपए इनाम की घोषणा करे, ये बहुत बड़े बात है कि कहीं ना कहीं ये पुलिस है ओकर पीछो करत है, तो ये पुलिस ऊपर भारी पड़त है। तो मोला ये और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार मुक्त जब रही तबे हमार नवा राज के विकास हो ही, और ऐसा अधिकारी मल्ला जनता के हित के कैसे नुकसान कर रहे थे, तो उन्होंने जनता के बीच में लाल पड़ी है। और अधिकारी हवाई अधिकार खास कर देखो, आप तो खरीद के मामला में देखो, चाहे आबकारी दारू के मामला में देख लो, चाहे ट्रांसफर के मामला हो, ये ऐसे चीज हरे जेमा भ्रष्टाचार के बाद जी। तो ये मान ला ठीक करे काम हमार सरकार के है, अभी नवा सरकार है, जनता के बहुत विश्वास है, 67 विधायक है हमारे भूपेश बघेल दाऊ जी के संग है, तो हम मतलब पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो ही और एक ईमानदार प्रशासन के साथ हमार छत्तीसगढ़ के विकास जी। हमारे संग सामाजिक कार्यकर्ता अमित जीवन घलो मौजूद है, उखरो लंग हमन ये जानना चाहते। अमित जी, अभी अगर बात करी तो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर में ऐसे देखे जात रही से भगोड़ा मन के नाम जो आगू आत रही, चाहे हम बात करें विजय माल्या के, चाहे नीरव मोदी के, फिर अब छत्तीसगढ़ में घलो ये सब मामला आगू आए लगे हैं। तो ये जो अपराध जो आत है आगू, भ्रष्टाचार जिसे जो एक बड़े मुद्दा जो एक बने हुए है लगातार, ओखर ऊपर आप मन के का कुछ कहना है? देखिए, नीरव मोदी हो
या भगोड़ा जो इसका भी आप नाम ले रहे हैं, इनसे किसी की भी सहानुभूति हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। इनको बाकायदा पकड़ने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों में सफलता भी मिली है सरकार को। उनकी बहुत बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली गई है और आगे भी ये लोग परेशान हैं, खुद होकर ये अपना पैसा लौटाना चाहते हैं। ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसा कानून को जो है समझिए कड़क और ये मजबूत होना चाहिए ताकि लोगों को अपराध करने से डर लगे, लोगों को पैसा हड़प कर देश छोड़ने से डर लगे। आज वो तड़प रहे हैं कि सरकार ने जितना हमने पैसा लिया वो सरकार ले ले और हमें माफ कर दे, तो ऐसा कड़ा कानून होना चाहिए। रही बात जो है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी जो है अपराध बढ़ते ही जा रहा है। आप देखिए सुबह के अखबार उठाकर देखिए, कहीं अपहरण, कहीं बलात्कार, कहीं यौन शोषण, कभी कुछ ना कुछ आपको मतलब जो इस टाइप की आपराधिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आज का मैं पेपर पढ़ रहा था, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी का चालान कट गया है कि वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं कानून हमारा जो है वो ढीला है, कानून में कहीं ना कहीं ढिलाई है। कानून इतना स्ट्रिक्ट या उतना मजबूती नहीं दिखा रहा है कि लोगों को कानून का डर लगने लगे। लोगों को कानून का डर लगना चाहिए, ऐसा आभास होना चाहिए। अभी कौशल जी ने कहा कि मतलब जो है हम धन्यवाद देते हैं पुलिस अधिकारियों को। अभी जो सोमानी परिवार का जो प्रकरण हुआ था इसमें हमारे पुलिस अधिकारियों की बहुत तारीफ हो रही है, चाहे डीजीपी साहब हों, चाहे आईजी छाबड़ा साहब हों, चाहे एसपी आप साहब हों, डीएम अवस्थी साहब हों, सभी की तारीफ हो रही है। अगर पुलिस अधिकारी ऐसा कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता उन्हें धन्यवाद देगी, उनका आभार मानेगी, उनका सम्मान करेगी। पुलिस को यह दिखाना होगा कि वह कानून के प्रति, न्याय के प्रति समर्पित है। मैं देखता हूं प्रकाश जी, आम नागरिक को यहाँ न्याय नहीं मिलता है। आप एक आम नागरिक को पुलिस कार्यालय में भेज दीजिए, थाने भेज दीजिए, एक वाजिब कहीं सही वजह से अगर वो एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है तो उसे कईयों चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपनी वाजिब कंप्लेन दर्ज कराने के लिए उसे चक्कर लगाने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है। इसीलिए कई लोग जो है पुलिस ऑफिस जाना नहीं चाहते, थाने जाना नहीं चाहते, कौन पुलिस से पकड़ने पड़ेगा। तो के शर्मा जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि जिन अधिकारियों ने अच्छा कार्य किया है उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। मैं अवस्थी साहब की, छाबड़ा साहब की बधाई करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया और बिना फिरौती की कोई रकम लिए, बिना कुछ पैसा पेट किए अपराधियों को गिरफ्तार कर एक उद्योगपति को उन्होंने छुड़ाया है, सम्मान उन्हें घर लाया है, धन्यवाद के पात्र हैं। जी बिल्कुल, तो पुलिस प्रशासन की तरफ ले लगातार ये जो नवा नवा पहल है वो करे जाते हैं। जबर खबर में हमन आगू बढ़बो और बात करबो रायगढ़ के। तो रायगढ़ से जो जबर खबर आए वो ये है कि पूर्व विधायक पति ऊपर चोरी के आरोप लगे हैं। तो का है पूरा मामला, रायगढ़ पूर्व विधायक पति घनश्याम मनहर समेत 9 के ऊपर चोरी के मामला दर्ज हुए हैं। तो दरअसल जो पूरा मामला है वो ऐसे है कि रायगढ़ में जो पूर्व पति है वो अपन जो एक धौंस होते ना विधायक के पति होए के, ओखर धौंस दिखात हुए पूर्व विधायक पति जो हवे घनश्याम मनहर ओह खनिज विभाग के अधिकारी मन से गाली गलौज करी से, ओखर बाद फिर का हुई से तो ओखर ट्रैक्टर ला थाना में ले आए गई से, फिर ओखर बाद फिर से धौंस दिखाई गई से और फिर ट्रैक्टर ला वापिस छुड़ा के ले जाए गई से। अब एकर बाद जो पुलिस प्रशासन है, जो खनिज विभाग है वो फिर सत्ता में आगे से ओखर बाद कहीं ना कहीं ओखर बाद कार्रवाई भी करे जाते। तो जो कार्रवाई करे गए वो यही कार्रवाई करे गए कि चोरी के अब ओखर ऊपर केस दर्ज हो है। तो शर्मा जी आप मन से ये जानना चाहता हूँ, ऐसे का हो जाते कि छोटे मोटे एक बार भी अगर कोनो पद पा जाते तो ये तरह की घटना लगातार आगू आत रही थे। ये देखे बात है कि खनिज विभाग में अवैध खनन के बहुत सारा मामला आते हैं। अब यहूँ मामला ये है कि रायपुर के अधिकारी मन तको वहाँ गिरी से वहाँ ये इसके 3 ट्रैक्टर वहाँ रही से, 3 ट्रैक्टर में से मैं जो सुने हो तो ये है कि 2 ट्रैक्टर में रीति भरारी से 1 ठंग खाली रही से। अब वो थाना में धौस जमा थे विधायक के, पूर्व विधायक के पति है कि मोर खाली ट्रैक्टर रही से तो खाली ट्रैक्टर के काबर कार्रवाई करा था। तो उकर ये कहना रही से कि मैं यदि दार को बोले है वो विधायक पति है
कि मैं दारू नहीं पियो, दारू दुकान चल लू, एक मतलब का हो, ऐसे होकर तर्क रही से। और कहना है कानून के दबाव होना चाहिए, चाहे वो कतो बड़े पद में रहा है, कानून सबके लिए बराबर है। और का गलती करे है, का खनिज के मामले में पहले के खनिज के मामला है, आज ऐसे ऐसे मामला आपके हमार चर्चा हुआ थे कि पहले दारू के बात आगे खनिज के बात होती है, पहले भी हमारे कुरुक्ष क्षेत्र में कुरुक्ष के आगे राजिम के आगे जी एक फिंगेश्वर के आसपास वो एक बात आ रही थी कि पूर्व विधायक पूर्व मंत्री के नाम से वर्तमान विधायक के नाम से धोखे की बात आ रही चंद्राकर के नाम थोड़ा रिश्तेदार बताते हुए मारी से, तो वहूँ में अजय चंद्राकर के मोर रिश्तेदार नो है। लेकिन मोर कहना है कि ऐसे नेता मन है जो ठेकेदार संरक्षण देते हैं या अवैध कार्य करते हैं, तो जनता का कर ऊपर विश्वास करे। जनप्रतिनिधि मन ल चाहिए कि जनता हित में काम कर रहे मेरे भाई, और ठेकेदारी और ये सब अलग करके ये मतलब संरक्षण नहीं देना चाहिए जो जो गलत काम करते तो मन जी बिल्कुल संरक्षण नहीं देना चाहिए। अभी ये तय नहीं है कि वो विधायक पति के ही ट्रैक्टर है कि काकर ट्रैक्टर है, लेकिन जो हिसाब में धो जमा थाना से ट्रैक्टर उठा के ले जाना, हवा से ऊपर अधिकारी से बात कर कार्रवाई का स्थिति बिना जाने आज से विपक्ष में है जुर्म दर्ज हो गए। लेकिन मोर कहना है सबो जन प्रतिनिधि मन के जिम्मेदारी होना चाहिए कि ये प्रकार के कानून अपन हाथ में ना लेवाए, और अवैध खनन हो चाहे अवैध शराब के मामला हो, कोई भी भ्रष्टाचार गलत काम के खिलाफ खुद खड़ा होना चाहिए। और जैसे भैया बतात रही थे कि हमारे पूर्व महापौर वर्तमान सभापति के आज चलान कटे, बहुत अच्छा बात है, कोनो मत छोड़ो भैया, जो कानून के लतुड़ा थे तेकर कार्रवाई करो, तब जनता ला एक विश्वास हो ही। हाँ भाई जी बिल्कुल, कानून के पालन होना चाहिए, कानून की जो पूरा प्रक्रिया होते ओखर पालन होना चाहिए, कबर कानून हा सब बर एक समान हवे। चलो आगू बढ़बो, स्कूल मन में अब हो ही संविधान ऊपर चर्चा, तो हर सोमवार प्रार्थना के बाद हो ही संविधान ऊपर चर्चा, स्कूल शिक्षा विभाग पर आदेश हो ही जारी, मतलब जो जम्मो जो स्कूल हवे छत्तीसगढ़ में वहाँ हर सोमवार को संविधान के ऊपर चर्चा हो ही। अमित जी संविधान के ऊपर चर्चा हो ही हर सोमवार के, कोनो दिन प्रस्तावना के चर्चा हो ही, कोनो दिन भारत के जो बाकी अगर भाग एक भाग दो के बात करी तो भाग दो नागरिकता, कोनो दिन मूल अधिकार के चर्चा होही, कोनो दिन मौलिक कर्तव्य के चर्चा होही, तो कोनो दिन नीति निदेशक तत्व के चर्चा होही। ये जो पहल करे जाते छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से, तो एक अच्छा पहल माने जा सकते? बहुत अच्छी पहल कहा जा सकता है इसे, संविधान के ऊपर चर्चा होनी ही चाहिए। साहब संविधान की जानकारी नहीं है इसलिए बहुत कुछ हो हल्ला होता है देश के अंदर। देखिए 303 सदस्यीय संसद में कोई प्रस्ताव पारित होता है और उसे अमान्य कर दिया जाता है, अमान्य करार कर दिया जाता है, उसके विरोध जो है कुछ आंदोलन होते हैं। मैं समझता हूं अगर संविधान की सही सही जानकारी किसी को हो तो शायद ऐसे प्रश्न खड़े नहीं होंगे। मुझे क्षमा करेंगे मैं एक ऐसा विषय बीच में दो मिनट के लिए ला रहा हूं कि देखिए CAA जैसे कानून को अगर पारित किया गया है तो मुझे पूरे हिंदुस्तान के 1 अरब से अधिक लोगों में से एक आदमी उंगली उठाकर ये बता दे कि किसी के भी कानून किसी के भी अधिकारों का यहाँ हनन हुआ है या हिंदुस्तान के एक भी नागरिक को इससे कोई नुकसान हुआ है। अगर मुझे कोई बता दे तो मैं अवश्य देश के गृह मंत्री से प्रधानमंत्री से सवाल करूंगा कि इस देश के नागरिक को तकलीफ क्यों हुई आपके कानून से, पर मुझे नहीं लगता है। हवा खड़ा किया गया है और इसलिए कि संविधान की जानकारी नहीं है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, अरे भाई आपको यह कहने का अधिकार है क्या? आप सोचिए तो सही, संविधान है क्या? आप संविधान पढ़िए, संविधान की किताब पढ़िए, आपके संविधान में लिखा है कि राज्य के अधिकार अलग हैं, राष्ट्र के अधिकार अलग हैं। माननीय सिब्बल जी कहते हैं, सलमान खुर्शीद जी कहते हैं कि आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि संविधान में लिखा है कि कुछ कानून राज्य बनाएगा और कुछ कानून जो है वो राष्ट्र बनाएगा। ये राष्ट्र का मामला है, नागरिकता का। परंतु चूंकि संविधान की जानकारी नहीं, या तो जानकारी है उसे आप बताना नहीं चाहते, जाहिर नहीं करना चाहते, आप चलाना चाहते हैं, इसलिए आप चलाए जा रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है देश के अंदर। अगर संविधान की जानकारी, ठीक है शर्मा जी एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, अगर संविधान की सही सही जानकारी हो तो मैं समझ
सकता हूँ, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। एक भी आदमी की नागरिक की नागरिकता लेने का यहाँ कानून पास नहीं किया गया है, चूंकि संविधान की जानकारी नहीं, इसलिए देश के अंदर हो हल्ला हो रहा है। जी बोले शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं, मैं प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, और खेल पहली की शर्मा जी अपन प्रतिक्रिया दें, उमा मैं एक बात जोड़ देता हूँ जो अभी के अपडेट आए हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान ये आए कि संविधान ला बचाए बर संविधान के ऊपर चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शर्मा जी, मुख्यमंत्री की ये जो बयान आए संविधान ला बचाए बर, का ऐसे लगत है कि संविधान ला कोनो प्रकार के खतरा हवे? एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत में संविधान ला खतरा के कहीं कोई कोई बात नहीं है ना, ऐसे कभी स्थिति आ सकता है लोकतंत्र में? विरोधाभास अपन विचार में हो सकता थे, विधानसभा में मुख्यमंत्री घोषणा करे रही से कि संविधान के जानकारी हो ये स्कूली लेकर पढ़ा जाए, एक आज ये आदेश जारी हो गए कि सोमवार के एला स्कूल में एक बारे में चर्चा रखे जाए, बहुत जरूरी है। आज हम अधिकार के बात करथन, अपन कर्तव्य के बात करथन, संविधान के प्रस्तावना के है, कम से कम प्रारंभिक कुछ जानकारी लड़का मल्ल इस चीज़ के रही तो मालूम रही कि हम अब नैतिक कर्तव्य में हमारा मतलब झंडा के तिरंगा झंडा के सम्मान करना है, अपन राष्ट्रीय ध्वज के है और अपन हिंदी के मामला हर चीज के उल्लेख हवा है कि अलग अलग पॉइंट में हमारा अधिकार का है, जिए का अधिकार है, स्वयं के जिए का अधिकार है, और इस छोटे हिंसा को लेकर के हर हम के हमला नहीं कर सकते, नैतिक अधिकार नैतिक कर्तव्य ये सब के सामान्य जानकारी यदि हम सब ला यदि हुई तो बहुत अच्छा बात है कि आने वाले समय में संविधान के मामला में राष्ट्रहित के मामला में और हमारे कहे जाए कि देशभक्ति की भावना निश्चित रूप से बढ़ी और निश्चित रूप से संविधान के जानकारी होना चाहिए। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, पढ़े लिखे मतलब ही अब संविधान के जानकारी करत हुए आगू बढ़ना चाहिए। हाँ भाई प्रकाश भाई जी, प्रकाश जी, हमने स्कूली पढ़ाई में नागरिक शास्त्र पढ़ा था जिसमें अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी दी गई थी। हाँ, आज हमारे देश में अधिकार तो बहुतों को पता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, पर तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है लोगों को अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं है। अगर भूपेश सरकार ने यह ऐलान किया है कि बच्चों को संविधान की जानकारी दी जाए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री को, यह आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हमारे देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी होनी चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या देश हित में है क्या देश विरोध में है, ये जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी होगी तो नागरिक जो है वो एक अच्छा नागरिक भी बन पाएगा, उसे जानकारी होगी तो अच्छे निर्णय ले पाएगा, और मैं समझता हूँ इसके साथ शिक्षा दी जाती है तो इससे देश का फायदा ही होना है, कोई नुकसान नहीं। जी बिल्कुल, तो कहे का मतलब ये है कि एक अच्छा पहल माने जा सकते छत्तीसगढ़ शासन के, जेखर तहत अब हर सोमवार के संविधान ऊपर चर्चा होही स्कूल मन में, तो बहुत अच्छा पहल है। तो जबर खबर में और भी खबर बाकी है, उकरों ऊपर चर्चा करबो, फिर एक छोटे से ब्रेक बरिया रुकत हन, आप मन बने रहो हमारे संग। तो दिन भर के जबर खबर में फिर से स्वागत है आप मन के, जबर खबर में आगू बढ़बो और बात करबो राजधानी रायपुर की। तो राजधानी रायपुर में 59 लोगन के लाइसेंस ला निरस्त करे गए है, का है मामला? तो राजधानी में 3 बार ले ज्यादा यातायात नियम तोड़िया मन ऊपर ये कार्रवाई करे गए है। तो 3 बार ले अधिक जिन यातायात के नियम ला तोड़ी उखर लाइसेंस रद्द हो। सबले पहले तो मैं शर्मा जी आप मन से ही ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पुलिस के द्वारा जो एक पहल करे जाते यातायात पुलिस के द्वारा जो एक पहल करे जा सक जो बहुत अच्छा पहल माने जा सकते कि 3 बार जिन यातायात के नियम ला तोड़ी
ओखर लाइसेंस ला रद्द करे जाही। काबर की कड़ा कानून होना भी कई बार ऐसे लगते कि जरूरी हो जाते, काहे कि बिना ओखर तो कोनो माने नहीं। लेकिन फिर भी आप मन से ये मैं जानना चाहता हूँ कि का लगते कि ये जो पहल करे जाते ओखर बाद कुछ नजर आही, कुछ बदलाव नजर आही? निश्चित रूप से, लेकिन सबसे बड़े बात है आदमी जागरूकता के। जब हम यातायात नियम के हम पालन करेंगे तो हमें सुरक्षा पर ये आदमी ले पहली समझे जरूरत है। आज हेलमेट लगाए बर यहाँ सुबह तक हर जगह बोले जाते आदमी हेलमेट नहीं लगाते, हम दुर्घटना देखा कुछ बार दुर्घटना होते तो दुख होते कि जो न हेलमेट नहीं लगा रहा है तेकर मन के तुरंत घटना स्थल में ही मौत हो जाते, तो ये बहुत दुखद होते वो परिवार के लिए कि जो न वो घर के एक झन कमैया है कोनो घर में जी, और वो परिवार के का स्थिति हुई तो हमन ल खुद एकर पालन करना चाहिए। ये लाल बत्ती गए तो रुकना है, पीला हो गए तो धीरे से जाना है, और हरा हो गए तब क्रॉस करना है। ये तीनों स्थिति ल समझत हुए कि हाँ ये नियम कानून बने काकर बने, हमर मन बर बने, हमर सुरक्षा बर बने। हमर शहर में देखे तो पुराना है रायपुर शहर और भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, रोजगार के तलाश में या आसपास के गांव के शहर के मन यहाँ खरीदारी कर बनाते, चाहे कपड़ा कोई सोना चांदी को चाहे किराना सामान के हो, सबो जन यहाँ आके देखो तो भीड़ अतेक हो जाते कि हमारे जय स्तंभ चौक क्रॉस करना है तो 10:30-11 बजे ऑफिस के टाइम रहते, तत्कर देर देखे या शाम के देख ले तो शारदा चौक से लेकर के तात्यापारा तक लाइन लग जाते। अब एम यातायात नियम के उल्लंघन करिए मन ऊपर कड़ा करे बार जगह जगह सबो चौक मन में कैमरा लग चुके हैं। हमारे रायपुर ला स्मार्ट सिटी बनाए के नाम से स्मार्ट सिटी योजना में ये कैमरा लगाए के भी है कि यातायात ला ठीक करना है, उमा सिटी बस चलाए के भी है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी बस में सफर करे, सार्वजनिक बस में सार्वजनिक यात्रा करे, ताकि अपन प्राइवेट कार के एक कार में बैठे है तो उन्होंने पूरा रोड जाम होते ऊपर से जगह में बस में 40-50 आराम से बैठ के निकल सकते हैं। तो ये पूरा जागरूकता के बात है कि व्यवस्था बनाए के बात है। अब मोला कहना है कि आज हेलमेट ला आज भी नहीं लगाते, आप तो लोग कहते कि शहर में नहीं है, हमन तो टाटी बंद के बाहर में लगाबो, तेली बांधक बाहर में लगाबो, मेन रोड में लगाबो, लेकिन ऊपर बाद भी देखे नहीं लगाए, 3 सवारी हमन ला देखे मिलते। ये सब नियम लग कौन नहीं जानत हो कि जो गाड़ी ले तो उन्हें समय सब लग पहुंचे, जब लाइसेंस मिलते तभी हम को कर एक परीक्षा हो जाते, चला आग दिखाए लगते, इंडिकेटर जलाना है कि हेलमेट पहनना है, ये सब जानकारी होते हुए भी कौन लग गियर वाला लाइसेंस के चलाए थे कि नहीं। अब सब से ज्यादा जो चलान के बताया था तेमा वो लाल बत्ती क्रॉस करना, मतलब ये कोई मैं नेता हूँ कि मैं पत्रकार हूँ कि मैं वकील हूँ चाहे कोनो रहा हूँ, बोला लाल बत्ती हो तो रुकना है। सबसे मेन बात ये है, हमारे यदि जो बुद्धिजीवी वर्ग कहे जाते हम उल्लंघन करते निश्चित रूप से हमारे पीछे पीछू दर्शन निकली, पुलिस ऊपर ध्वज जमाए की जरूरत नहीं है। हमन ला खुद रख के हमार सुरक्षा के यातायात नियम के पालन करना चाहिए। मैं सब जन से आग्रह करूँ कि यातायात नियम ला सब जन पालन करे, ओला अपन सुरक्षा बर उपयोग करे, और पुलिस जो कार्रवाई कराते तेमा यातायात के नियम में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। ओकर निश्चित रूप अब केंद्र सरकार है, जब पैसा लगे तब वही जाते कतेक पैसा हो गए, अब पैसा के दंड दे के जब बात हुई, दंड के बात हुई आर्थिक दंड के, तो निश्चित रूप से अब का है हमारे यहाँ ऑनलाइन घर में पहुंचा थे चलान के काफी हद तक घर पहुंचे भैया, वो फोटो साथ पहुंची कि तो ये दे शारदा चौक ले क्रॉस करत रहे तो गाड़ी नंबर ये दे हरे और ये फोटो है और उसी पर लाल बत्ती रही से, तो तब सब खूब के साथ घर में जाते चलान पटाइल पड़ी और ये जानकारी जानते हुए सब वो झनला नियम कानून पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल, यातायात के नियम के पालन तो सबला करना चाहिए, फिर वो कोनो रहे, कबर की नियम कानून सब बर समान होते। अमित जी, लेकिन ये जो पहल करे गए है यातायात पुलिस के द्वारा रायपुर में करे गए है, आप मन लगते कि रायपुर के अलावा जो बाकी जिला है वह ये लागू होना चाहिए ताकि लोगन थोड़ा सा सतर्क हो जाए और यातायात के जो नियम है उखर पालन करें? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए नियम तो नियम है, अगर उसका रायपुर में फायदा है तो दुर्ग में नहीं होगा, बिलासपुर में नहीं होगा, नांदगांव में नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ अगर कानून बनता है तो पूरे देश के लिए बनता है, उसके लिए ये कभी नहीं लिखा जाता कि इस कानून को छत्तीसगढ़ माना जाए और मध्य प्रदेश में माना जाए, उत्तर प्रदेश गुजरात में ना माना जाए। देखिए कानून है, कानून का सबको पालन करना चाहिए और ये अच्छी चीजें हैं। देखिए यातायात का अगर आप पालन कर रहे हैं तो जैसे अभी शर्माणी जी ने बताया कि आप अपनी जीवन की रक्षा कर रहे हैं, आप अपना हित साध रहे हैं, है? इससे क्या है आपका समय भी बचता है, अव्यवस्था से भी आप बचते हैं, आप एक्सीडेंट से भी बचते हैं। आप देखिए कई बार क्या होता है,
जैसे बत्ती पीली होती है तो लोग वहां से बदल और हरी होने से पहले, हरी बत्ती होने से पहले लोग बताइए गाड़ी से आगे बढ़ जाते हैं, इधर हाँ। से आग जा रहे हैं, उधर किराज से दूसरी गाड़ी आ रही है, कई बार होता है कि गाड़ी आके डैश कर जाती है, नुकसान किसका है? आपका है, मेरा है, जिन दोनों ने गाड़ियां बीच में लाके अटकाई है, हम दोनों का है। ट्रैफिक पुलिस का क्या है? ट्रैफिक पुलिस तो जो है आपके नियमों का पालन कराने खड़ी है। अगर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपकी गाड़ी डैमेज हो सकती है, आपका शरीर डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नुकसान की भरपाई तो आप ही को करनी है क्योंकि आप कानून को तोड़ रहे हैं। तो आपने प्रकाश जी जो सवाल पूछा कि क्या इसे रायपुर के अलावा भी और शहरों में लागू किया जाना चाहिए, तो शत प्रतिशत किया जाना चाहिए भाई साहब। कानून तो कानून है और जितना अच्छी तरीके से पालन करेंगे उतनी जिंदगी जो होती आपकी जिंदगी। तो बिल्कुल एक पायलट प्लान के रूप में राजधानी रायपुर में इला शुरू करे गए हैं, हो सकत है कि आने वाले समय में बाकी जिला मन में भी शुरू करे जाए। जबर खबर में आगू बढ़बो और ये जबर खबर जो हवा है वो ये है कि 4 करोड़ दे के छूटे है सोमानी, ये कौन आरोप लगा है भाजपा नेता? रायपुर धरसीवा पुलिस है गौरी शंकर ले कही सबूत लेके कल थाना आवाओ। तो पूरा मामला यही है कि जो भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर है तेना पुलिस के ऊपर ही सीधा ये आरोप लगा दिए है कि पुलिस है 4 करोड़ दे के जो सोमानी है जो उद्योगपति है ओला छोड़ा के लाए। तो कहे का मतलब ये है कि सीधा सीधा पुलिस के ऊपर ये आरोप लगे है और आरोप लगे के बाद धरसीवा के जो पुलिस है, धरसीवा पुलिस प्रशासन जो है वो गौरी शंकरला पत्र लिख के ये जवाब मांगे है कि अगर आप मन के पास कोनो प्रकार के कोई सबूत है तो जरूर ओला कल थाना लेके आप मन आवाओ। तो एमा जो कहे का मतलब ये है कि हर बात में अब सियासत नजर आए लगे। शर्मा जी आप मन से ही मैं ये समझना चाहता हूँ कि पुलिस की जिम्मेदारी होते लोगन के रक्षा करना, हमेशा उखर बर तत्पर रहे थे चाहे वो कोनो रहे, चाहे कोनो बड़े उद्योगपति रहे या कोई आम नागरिक रहे, फिर कहीं ना कहीं जब पुलिस प्रशासन के ऊपर ही जब सवाल उठते हैं कि पुलिस हा पैसा दे के सुमला छोड़ा के लाए तो कहीं ना कहीं उखर मनोबल प्रभावित होते। ये मामला ऐसे है कि कल जब इला पकड़ में आ गए की बात है तो उसके बाद गौरी शंकर श्रीवास भाजपा के प्रवक्ता है और वो हा पोस्ट करी इसके सूत्र के हवाले से 4 करोड़ रुपया के एमा फिरौती दे गए फेसबुक में पोस्ट कर रही है। फिर पहली बड़का अधिकारी मंत्र को जी फेसबुक में पोस्ट कर रही है वो प्रिंट लिस्ट में हुआ जी। तो ओमा बहुत जन के कमेंट भी है कि कैसे ढंग से कहा हो, कैसे बता देते हैं, कैसे बोल देते हैं। तो बात यह है कि जब पुलिस आकर बाद आज मैं पुलिस अधिकारी मंत्री रायपुर में भी बात हूं कि ये कैसे बात है कि वास्तव में हो है कि नहीं हो है, कोला के लच कैसे छोड़ के चल दी, कैसे दबाव बने कि शिकायत यह है कि अकेला बैठे रहते एटीएम छोड़ दी, एटीएम जेब में डाल दी सब जाके के। लेकिन पुलिस अधिकारी मन के अभी तक के स्पष्ट रूप से कहना है मैं कोनो फिरौती की मांग नहीं है, 50 करोड़ रुपये के मांग करे गए रही थी प्रवीण सोमानी में और ये प्रवीण सोमानी 14 दिन से आंख में पट्टी बांध के घुमावत रही से और घुमाए के बाद में पूरा जब परिवार के मतलब मेन है कि पुलिस जो मैं बताता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा सब झल्ला लगाना चाहिए जहाँ जहाँ जो योग्य है चौक चौराहा में पुलिस लगाना चाहिए, ओकरे लाभ छत्तीसगढ़ में मिले है मोबाइल जो के जो ट्रेक का झन के 100 मोबाइल के करे है, कोनो उड़ीसा ले बात कर रहे थे, कोनो बिहार ले कर रहे थे, कोनो उत्तर प्रदेश ले कर रहे थे, ये बड़े रैकेट है, एक राज्य में रही थे दूसरा राज्य ले फोन करा थे तो पुलिस लग गुमराह करते ओकरे स्थिति आज पुलिस के बड़का अधिकारी मन के तक 8 राज्य के मन बैठे रही से पुलिस के आधुनिकीकरण चोर मन है और गुंडा बदमाश मन है ऐसे फिरौती वाले मन है नया नया तकनीक के उपयोग करते तो हमारे पुलिस वाले मन ला भी ये सुविधा चाहिए। अब बात है पैसा के, तो पैसा के अभी तक कहीं कोई बात नहीं आए है, अब बोला सबूत देना है तो कैसे सबूत, पैसा के सोमानी जब तक नहीं कही पैसा दी तो सोमानी परिवार दी मांगे रही से तो पैसा दे नहीं दे अभी तक कोई बात नहीं आए है, पुलिस स्पष्ट कह चुके हैं कि हमारा पुलिस पर विश्वास है, पुलिस जब तक ये बात नहीं आई या सोमानी नहीं कही कि मोर में ले पैसा ले तो हमन कैसे कह सकते हैं कि पैसा ले। अब वो भाजपा के नेता है अपन पोस्ट में ये कहा थे गौरी शंकर श्रीवास भाई है कि वो लोग पत्रकारें मन बता है, अब अच्छा। पत्रकार मन कोनो जगह दिखा है ना छापे है ये चीज़ कि हम और सोर्स प्रेस वाला है ओकर कहने के प्रेस वाले ऊपर विश्वास ही नहीं, तब प्रेस कौन मेरे बोल दी कैसे बात है अलग जांच के विषय, चूंकि ये राजनीतिक
भाजपा और कांग्रेस के बीच गया था, साथ ही हमारे पुलिस के जो अतेक बड़ी उपलब्धि है के मा बिना कुछ करे अतेक दूरिया जाके वही व्यापारी ल व्यापारी हो चाहे आम नागरिक हो, एक आम नागरिक का बाजिंदा बोला सुरक्षित लेके आना, उकर भर घर परिवार तक लाना, उकर लड़का बच्चा उकर परिवार वाले मन के बीच में का खुशी है, तो हमला महसूस करना चाहिए और पुलिस के आत्म तारीफ करना चाहिए। कल के दिन अगर कहीं मैं कहा था कौरी शंकर के बात में थोड़ी कहन भी हो ही मान ले जाए ले भी हो ही तो वो मन कहूँ नहीं जाए, आदमी सही सलामत आ गया, अपराधी मना पुलिस के साथ दस जन के जो नाम आधे तो उन्होंने मतलब मोला विश्वास है कि देर सवेरे पुलिस वाले मन ओला पकड़ ली, और दो आदमी मन जो पकड़ाए हैं ना उत्तर प्रदेश तक पुलिस गई तो पकड़ के लिए तो अच्छा दिन मेहनत करे 60 पुलिस कर्मचारी जी 10 जन तकनीकी विशेषज्ञ रही से एक एक ठंग करत करत और परिवार के मन ऊपर कैसे दबाव बनी कैसे बोला करी हर चीज कई ठंग चीज गोपनीय भी रही थे हमला मालूम रही थे पुलिस वाले मन बताते तो उन्होंने हमन नहीं बतान कि वो अपराधी मन का लाभ मत उठाए। लेकिन अभी तक के स्थिति में है कि पुलिस के सबला सम्मान करना चाहिए और पकड़ा आगे आरोपी मना के सही सलामत घर आगे और जांच के विषय है कि ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। तो उरला में और सिलतरा के मैंने दो लाइन और बता देता हूँ आप लोग के मामला में कि यह जो सीसीटीवी कैमरा लगाए पर उद्योगपति मन 140 स्पंज आयरन के बड़े बड़े से लेकर के सिलतरा में 140 एक दो तीन तीन फेस में सिलतरा बने हैं और उरला में लगभग 400 उद्योगपति छोटे मन है वहाँ तो 900 एकड़ में उरला है और लगभग 6000 एकड़ में तो सिलतरा बसे है। यह सब जगह का सब उद्योगपति मन मिलके कर रहे थे सीसीटीवी कैमरा लगाना है, अभी तक उद्योग के बाहर में मेन गेट में लगा देते लेकिन वहां पर अच्छा करते मोर सामान चोरी मत ले गए मोर कर्मचारी सही समय में आए। लेकिन अब जब रोड में लगी रोड में लगाए बर एकरे में बड़े बड़े निको फैक्ट्री है वंदना है बड़े बड़े कंपनी है तो उनमें जब अपन जिम्मेदारी करते हुए सड़क ऊपर जब सीसीटीवी कैमरा लगी तो निश्चित रूप से अपराध नियंत्रण हुई, आधुनिकीकरण के लिए अपराध नियंत्रण पर पुलिस ल सक्षम बनाना जनता जागरूक होना जरूरी है, पुलिस ऊपर हमला विश्वास करना चाहिए, अंततः पुलिस हो चाहे सरकार हो हमरे हित भरे और ओ मन जो उनका जनहित में ही काम करते और जो आरोप लगे हैं भाजपा है राजनीति के एमो कोई कांग्रेस ला लाभ तो नहीं भाई कि कांग्रेस आ गए तो वो पुलिस वाले मन धर के लाए कांग्रेस आई तो धर के ले तो भाजपा रहती तब वो धर जी। दरअसल पुलिस अपन काम करते कानून अपन काम करते यदि तो दरअसल ऐसे हो गया ना कि सोमानी जो है वही बात जब वापिस आई से तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग मुलाकात करी से संग मौखर पुलिस के बड़े अधिकारी मन भी मौजूद रही से आरिफ शेख जी मौजूद रही से तो जो पुलिस प्रशासन है उखर धन्यवाद ज्ञापित करी से छत्तीसगढ़ शासन के धन्यवाद ज्ञापित करी से हो सकते कि यही वजह ले ये फेसबुक पोस्ट डाले गए रहे सोही हो सका के बाद में तो बहुत सारे ओकर में कुछ सबूत हुई कोई बात हुई तो मतलब बात आना चाहिए जनता के बीच की बात है ओकर में कुछ बात हुई कुछ सबूत हुई तो आई जानकारी सामने लाई थाना में लेके पुलिस अभी कुछ तो कार्रवाई कहे नहीं ला के सबूत लदे के हाथ है कौन मेरे का है भैया का क्या करो दे कैसे दे है तो जी तो कहने का मतलब यह है सार बात यही है कि जब तक पूरा एक उत्तर सबूत ना होना चाहिए सार बात आरोप लगाना बेकार है। हाँ अभी तक सबूत है तो केस कर दे और पुलिस वाले अपन कार्रवाई करे है तो भूखे प्यासे हमर सिपाही मन है पुलिस के हवलदार मन है अतेक दूर जा जाके दूसर प्रदेश जाके वहाँ पुलिस वाला मन के सहयोग लेके अतका मेहनत करे तेकर सम्मान तो करना चाहिए बिल्कुल ताकि पुलिस के मनोबल ना गिरे। खबर में आगू बढ़बो और बात करबो एक और जबर खबर के नवा महापौर सभापति सबो जन मिलिन सोनिया ले भूपेश बघेल मंत्रिमंडल और मेयर सभापति सोनिया और राहुल ले करीन भेंट तो ये है जबर खबर अगला। तो शर्मा जी आप मन से ही ये जानना चाहता हूँ कि जो भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल है वो हम मुलाकात करी से जमजो सभापति है जो मेयर है उमन रहीन है और जो एखर सार निकाले जाए वो ये है कि मिल के एक बछर की जो ब्यौरा है ओला दे है तो ये तो हो गए छत्तीसगढ़ शासन के बाद जो कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उखर समक्ष ये पूरा ब्यौरा ला रखी से आप मन से मैं जानना चाहता हूँ राजनीति बुरा करीब से आप मन देखे हो जो छत्तीसगढ़ शासन अभी जो नवा सरकार बने हैं एक बछर के पूरा कार्यकाल ला आप मन कौन रूप में देखता हूँ जब जनता 15 साल के शासन ला यदि जनता पलट के 67 विधायक
कांग्रेस ल दे है, तो एक बड़ा 70 में से 15 सीट, सॉरी 90 में से 67 15-12 अभी भाजपा तिरावत सीट भी चौन हो गए। अब स्थिति ये है कि जो सरकार है जब विधानसभा में सफलता प्राप्त करी किसान मन के ऊपर घोषणा पत्र जबरदस्त रही से कि जिला देख पड़े तो बिजली बिल आधा हो जाए, किसान मन के ऋण माफी हो जाए, 2500 रुपये धान खरीदी मिली, घोषणा पत्र कांग्रेस के भाजपा लक्ष्य रही से जनता पसंद नहीं तो ओला वोट दे दी। अब वोट दे के बाद साल भर के काम के सैलील देखे तो कुछ दिन बाद फिर बात है कि लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस को फिर भाजपा आ जाते, तो अब कांग्रेस के गिरावट रही से उकर बाद अभी नगरी निकाय चुनाव हुई तेमा जो 151 नगरी निकाय में चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में तेमा से लगभग 95 से 100 में अभी एकर मन के कांग्रेस के फिर कब जाओगे। पहली घाव ऐसे हो है कि 10-10 नगर निगम में जो महापौर है तो उन्हें ये कांग्रेस के बन गए हैं नगर, और बाकी नगरी निकाय नगर पंचायत नगर पालिका तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन किए जा सकते, लेकिन कांग्रेस भाजपा के एकदम बेकार हो गए ऐसे भी नहीं है। ऊपर टक्कर के स्थिति से कोरबा जैसे जगह में आगे रात हुए भी अपन नहीं बना सकी सरकार के रही थे, और जनता एक ये रही थे कि जनता अच्छा काम कर नगरी जनता में छत्तीसगढ़ की जनता में अच्छा मतलब जागरूकता आ जाते कि ये देखते हुए कि नगरी निकाय में हमर जब कांग्रेस के रही है राज्य सरकार संग मिलके हमर मोहल्ला के हमर वार्ड के हमर शहर के विकास हुई ये सोचत हुए कांग्रेस के मल्ला ये वक्त वोट मिले हैं, तो ये कांग्रेस के लिए पहली घव नगरी निकाय कहे जाए कि अतिक बड़ सफलता मिले, नहीं तो भाजपा के शहर में और गाँव में कांग्रेस के हवा ऐसे अच्छा पकड़ के बात कहे जाए। लेकिन अब जो नगरी निकाय में जीत के बाद जो एक बड़े उपलब्धि के रूप में भूखे बघेल के जो परिणाम आए कि साल भर के जो काम करे तेमा अभी जो योजना जो हवे अभी बहुत सारा योजना पूरा करना है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप में जितका जल्दी हो सके ऋण माफी की बात है, अभी यू साल 2500 रुपया गेहूँ कहीं कहे है, अभी धान खरीदी समर्थन मूल्य में ही हो है 1800-1500-1500 रुपये में, अब हमला उम्मीद है कि 2500 रुपया सब लोग जी बिल्कुल। तो कुल मिला के अभी तक के जो भूपेश सरकार के जो काम है साल भर में जनता संतुष्ट दिखाते नगरी निकाय चुनाव परिणाम देखते हुए और एक ही खुशी के नाम लेके कि पूरा साल भर में हमार भैया ये रिजल्ट आए है कोनो भी ला उसे उत्साह थे, तो अतका नगरी निकाय के सबो महापौर ला अध्यक्ष मन ला धर के सोनिया गांधी राहुल गांधी मिलवा है, निश्चित रूप से हमारे यहाँ के मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के कार्यशैली लगा वहाँ एक सभासी मिले हैं, और हमें मानना चाहिए आने वाले समय में जनता के हित में और बने काम कर ही, अभी बजट आने वाला है तेमर शहर के गांव के सड़क नाली पानी बिजली सब के अब अच्छा व्यवस्था करत हुए एक अच्छा काम करी भूपेश सरकार, यही विश्वास कर जा सकता। चलो, तो कहे का मतलब ये है कि नवा सरकार जब आई से तो जाहिर सी बात है जब नवा सरकार आते तो बहुत कुछ बदलाव होते, बदलाव हो से और बहुत कुछ अभी भी बदलाव होना बाकी है, बहुत कुछ काम करना बाकी है, अभी 4 साल और बचे। अब देखे वाला बात ये हुई कि अवैया जो 4 बच्चर है उमा जो सरकार है वो का कुछ काम करी, खबर की बहुत सारा अभी भी काम होना बाकी है। अगर कर्मचारी मन की बात करे जाए तो ओमनला नियमितीकरण के आस है, अगर शिक्षा कर्मी मन की बात करे जाए तो ओमनला अपन संविलियन के आस है, अगर किसान मन की बात करे जाए तो किसान मनला अभी भी 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी हो ही एकर विश्वास है, एक आस है। तो अब देखे वाला बात ये हो ही कि अवैया जो बजट सत्र होने वाला है उमा ये सब मनला का कुछ मिलने वाला है। जबर खबर में आऊ आगू बाढ़बो, अपहरण कांड के मास्टर माइंड हो गिरफ्तार, प्रवीण सोमानी अपहरण कांड के मास्टरमाइंड अनिल चौधरी गिरफ्तार करे गए हैं। तो शर्मा जी फिर से मैं आप मन सो आना चाहता हूं, जो मास्टरमाइंड है अनिल चौधरी ओला गिरफ्तार करे गए हैं, तो ये पूरा जो मामला है उमा मैं ये आपन से संक्षेप में ये जानना चाहता हूं कि कैसे कौन तरह ले पुलिस की कार्यप्रणाली रही से, कैसे आखिर प्रवीण सोमानी ला वापस लाए गए से, कैसे पकड़े गए से, और कैसे ये जो मास्टरमाइंड है अनिल चौधरी वह पकड़ा है। ये कहे प्रवीण सोमानी है एक प्रोसेसिंग के काम करते कि जो कबाड़ है तो मतलब एक वही काम है कि पकाड़ मतलब एक प्रोसेसिंग के यूनिट डाले हुए है, और उसका परिचय यहाँ के उद्योग मंत्री उद्योगपति मंत्री उससे नहीं जो उम्र से बात हुई से आज दो चार बड़े उद्योगपति मन से कि अब का करूं कैसे का स्थिति सब जन के चिंता दूर हो, और एक पकड़ा के पीछे सब रही थे जो चौधरी रही थे एक रिश्तेदार वो मेन जो सरकार
ना है तेकर वो रिश्तेदार दमान कहा था वो यहाँ आके मन है अपन गिरवी रखी सोना रखी तेकरो फुटेज मिल गए ओमा में सीसीटीवी कैमरा के बड़ा रोल रही से ओकर बाद से लाके एकर मोबाइल फेंक दी थे आखिर पट्टी बांधे उलत नहीं मालूम कि कहाँ लगे इसका है लेकिन पुलिस लगातार उसका पीछा करा जिसे कि कहाँ जाने का है पूरा रूट में उला पीछा करत करत वो मतलब बहुत पुलिस के एक भूमिका रही थी कैसे पकड़े इसके बे तो मेन चीज है मतलब सीसीटीवी कैमरा हर उद्योगपति हर ज्वेलर हर मतलब व्यापारी मतलब सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए ज्यादा खर्चे नहीं 12,000 रुपया के एक ठंग आते और एला लगाए से उकर खुद के सुरक्षा है अपराधी मन पकड़ में आई और जहाँ तक बात है कि एमा पूरा छाना छाना करे तो उत्तर प्रदेश तक जा करके ऊपर परिवार के मतलब बिहार में दबाव बने और कुल मिला के अंत में जा करके अटका प्रेशर हुई तो ये बोल के छोड़ तो भैया तो पुलिस ला बल देबे कि हमर परिवार वाले परेशान मत करी और हम तो छोड़ दे हैं नहीं एटीएम कार्ड उधर ऊपर से बैठ के चले गए। चलो तो जी इमा यानी से जो गाड़ी रही ना प्रवीण सोमानी जो गाड़ी रही तो वैसे गाड़ी अभी तक बात ये आते कि इमन प्रवीण सोमानी ला अपहरण करे पर नहीं आ रही ओकर से बड़े वाले ओकर पड़ोस में उद्योग है सेम गाड़ी रही तो वैसे गाड़ी रही से जब प्रवीण सोमानी उठा ली तब वो बात है कि भैया मैंने हाँ वैसे वैसे लेकिन उनका विश्वास नहीं हुई तो वही धर के चले गए और लेकिन एक सुरक्षा के भावना तो है कि वो माना अतेक पान शहर में ऐसे जो पुलिस के या बिहार के हो चाहे यूपी के हो वहाँ के माना अपराधी माने कैसे छत्तीसगढ़ में आते और कैसे यहाँ के बड़े बड़े घटना करके जाए चल देते तेकर नियंत्रण पर हमला जो किराएदार मन के पहचान के रही से औद्योगिक क्षेत्र में जो कर्मचारी है तेकर मन के जब तक लोकल ओकर पकड़ नहीं रही स्थानीय ओकर सूत्र नहीं रही तब तक बड़े घटना नहीं हो सके तो ये स्थानीय नागरिक मन के कर्तव्य है कि हमारे आस पास में ऐसे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखते तेकर जानकारी पुलिस ला दे जाए तभी हम सुरक्षित रह सकते। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा ढंग ले बहुत सरल शब्द में आपने ये पूरा कहानी ला बताया है कि का कुछ हो इसे प्रवीण सोमानी अपहरण कांड में। तो आगू बढ़बो और बात करबो मीसा बंदी के। मीसा बंदी अभी छत्तीसगढ़ में घलो चर्चा में है। काबर चर्चा में है काबर की मीसा बंदी पेंशन योजना ला बंद कर दे गए है। सरकार करी शिखर पेंशन ला बंद, बीजेपी करत है बंद के विरोध। हमारे संग सामाजिक कार्यकर्ता अमित जीवन जी है। अमित जी आप मन सो ये पूछना चाहता हूँ अगर इंदिरा गांधी के समय की बात करे जाए 1975 में आपातकाल घोषित हो रही से मीसा बंदी जो हवे ओ समय के ओ मतलब पेंशन दे जात रही से पूर्ववर्ती अगर भाजपा सरकार की बात करे जाए तो उखर द्वारा। लेकिन जैसे ही नवा सरकार आई से भूपेश सरकार आई से जो मीसा बंदी है उखर पेंशन ला बंद कर दे गई से आप मन के मा प्रतिक्रिया। देखिए आज अगर किसी किसान की फसल खराब होती है तो सरकार उन्हें जो है मुआवजा देती है। क्यों मुआवजा देती है कि उसके कुछ पैसों की बर्बादी हुई है, समय की बर्बादी हुई है या उससे कुछ तकलीफ हुई है, इस कारण से सरकार जो है मुआवजा देती है, किसान को राहत देती है। मीसा का जो कानून था इसको आप काला कानून कह सकते हैं। उस समय लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कर दी गई। जो बड़े से बड़े राजनीतिक दल के नेता थे उन्हें रातों रात जेलों के अंदर ठूस दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो गई। मैं खुद एक लेखक हूं, जब मैंने उस समय में कुछ लेख लिखा था तो उसको रोक दिया गया कि नहीं साहब ये सरकार की इसमें तारीफ नहीं है। तो समझिए कि मीडिया की चौथे स्तंभ की जो है शक्ति को भी दबा दिया गया था। मतलब आप वही लिखोगे जो सरकार चाहती है। बड़े बड़े लेखकों के लेख गए, उन्हें पढ़ के कई लेखों को उसमें से रिजेक्ट कर दिया गया कि ये लेख नहीं छपेंगे। क्यों? क्योंकि वो मीसा के खिलाफ थे या सरकार के मतलब जो तारीख में नहीं थे। तो मैं समझता हूं वो जो कानून था मीसा का कानून, शायद ही देश के अंदर किसी ने उस कानून की तारीफ की हो। माननीय राष्ट्रपति महोदय से तक परमिशन नहीं ली गई थी ऐसा बताते हैं। ये तो एक समझिए व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक मतलब मनमाना कानून लागू कर दिया गया था जिससे सारा देश पीड़ित बना। बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने मिलकर एक जनता पार्टी बनाई, आपको याद होगा। तो जयप्रकाश नारायण उन्होंने अपना जयप्रकाश नेतृत्व उस समय करत रहे थे। हाँ, तो उनका नेतृत्व जो था मैं समझता हूँ सर्वोदय के नेता थे। उनको शायद अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं था, बहुत सादगी के मुहूर्त थे, लेकिन उन्हें देश की चिंता थी। उन्होंने सभी दलों को जोड़ा और जनता पार्टी
पार्टी बनी। आप सोचिए, इंदिरा गांधी उस चुनाव में हार गई। क्यों हारी? क्योंकि लोगों ने उस इमरजेंसी को स्वीकार नहीं किया। आज थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था कि संविधान की शिक्षा दी जाएगी राज्य के अंदर स्कूलों में। अगर आप उस शिक्षा के ऊपर आइए तो आप लोगों के नागरिक अधिकारों का इस तरह हनन नहीं कर सकते। आप इमरजेंसी लगा कर सच्चाई को यूं गला नहीं घोट सकते। आपने अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े नेताओं को जेल के अंदर घुस जाओ, सालों तक बेचारे वो भुगतते रहे, उनका परिवार भुगतते रहा, शायद किसी के पास रोजी रोटी की भी समस्या थी। रमन सरकार ने अगर 2008 में उन नशाबंदियों के परिवारों को पेंशन चालू किया देना तो कोई गलत नहीं किया। आप हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत अच्छे सजग हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर कोई पीड़ित है तो हम उनकी पीड़ा को दूर करें, कोई दुखी है तो उसके दुख को दूर करें। अरे भाई, उस समय उनको पीड़ा हुई, दुख हुआ, उनके परिवार छिन भिन हुआ, उनकी रोजी रोटी छीनी गई। अगर उन्हें कोई मतलब जो है आप पेंशन दी जा रही है तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप किसानों की फसल खराब होती है तो उन्हें मुआवजा देते हैं, उन्हें राहत देते हैं ना। तो इसी प्रकार देश के नागरिक अधिकारों का अगर हनन हुआ है, उनके घर परिवार में मुसीबत आई है, वे पीड़ित हुए हैं, अगर उन्हें कोई राहत दी जा रही है तो आप सीधा सीधा मतलब राहत को बंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताइए, क्या आप मीसा का समर्थन कर रहे हैं? देश के बड़े बड़े चैनलों में डिबेट हुई है, बार बार एंकर ने पूछा है कि बताइए आप मीसा का समर्थन करते हैं? जिस पार्टी ने मीसा लगाया था उस पार्टी के नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से पूछा गया क्या आप मीसा का समर्थन करते हैं? किसी भी नेता ने खुलकर उसका समर्थन नहीं किया। जब समर्थन नहीं किया तो आप समझते हो कि वो गलत हुआ था, और जब गलत हुआ था उसके अगेंस्ट में अगर किसी को राहत दी जा रही है तो आप उस राहत का विरोध क्यों कर रहे हैं? और दी जा रही तो आप कम से कम उसको कंटिन्यू कीजिए। अरे आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो अच्छा काम हो रहा है उसे बंद तो मत कीजिए। तो मेरा विनम्र निवेदन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो अच्छे कार्य है अगर किसी को पीड़ा है तो उसकी पीड़ा को दूर कीजिए, अगर कोई दुखी है तो उसके दुख को दूर कीजिए। आप शासन को बहुत अच्छे तरीके से चलाइए, 5 साल कोई छूने वाला नहीं है, बहुत अच्छा जनसमर्थन मिला है, उस समर्थन को आप केश कीजिए और जनता की सेवा कीजिए, जनता को खुश कीजिए। ये जनता का अधिकार भी है, जनता ने आपको वोट दिया है, जनता का हक बनता है न्याय पाने का, न्याय मांगने का। तो मैं समझता हूँ प्रकाश जी, जो मीसाबंदियों की शर्मा जी राशि बंद की गई है ये उचित नहीं है। शर्मा जी, मुख्यमंत्री के बयान के आज के मैं बात कर रहा हूँ तो मुख्यमंत्री की ये कहना है बताने वाला रहे हैं जी, मुख्यमंत्री की ये कहना है कि जो मीसाबंदी है वो कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं रही है कि जिन मनला पेंशन दे जाए। और संगे संग जो लगातार ये बात चलते कि 1975 में जब आपातकाल लगे रहे से तो जो इंदिरा गांधी है जो काम करे रही से, लोकतंत्र के हत्या करे के प्रयास करे रही से, तो आज के समय में अगर केंद्र में मोदी सरकार की बात करे जाए तो उखरों ऊपर ये आरोप लगत रही थे, जो एक वर्ग है वो लगात रही थे, तो ये सब के ऊपर आप मन के प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है आपके कि जो वो वक्त 1975 में जो ये स्थिति आ रही थी आपातकाल के, हमारे संगवारी है अनुभव अपन बताई कि वो वक्त का स्थिति रही से, लेकिन वो एक राजनीतिक विषय से जो आपातकाल की राजनीतिक रही से जनता ने जागरूकता परिचय दी, वो सरकार इंदिरा गांधी के खिलाफ हरा दी। अब स्थिति ये है कि लोकतंत्र में जनता के ला दबाए के कोशिश सरकार यदि करी तो नहीं हो सके, सरकार ला जनता पलट दी, ये सब कोती दिखत है, चाहे तीन है कतको ते लालच दे जनता ला, चाहे वोट खरीदे के बात होए, लेकिन जनता अपन अधिकार ला अब धीरे धीरे समझत है। जैसे आप हमारे श्रोता अभी गणतंत्र दिवस फिर आवत है 1947 से आप तक के हमन देखेंगे कि जनता में जागरूकता दिखत है। अब मोदी सरकार के जहां तक बात कहा था तो वह है अटका बड़े पूर्ण बहुमत के सरकार वहां बैठे है और बड़े बड़े डिसीजन लेवत है, जतका डिसीजन लेवत है दोनों में एक बात आते कि वो घोषणा पत्र में लिखा हुए है। अब आदमी ला वोट दे के पहली पार्टी के घोषणा पत्र जरूर देखना चाहिए, ऐसी जत मामला अभी डिसीजन 370 है, 3 तलाक हो, ये सब वो हवा है। अब जो डिसीजन लेवत है कार्य प्रणाली जो है तो उनको भैया जो अतका बड़ा ताकत में आई थी इंदिरा गांधी के बहुत बड़े ताकत वाले रही से वक्त ऐसे प्रधानमंत्री रही से कि
मतलब युद्ध ल जीते है युकर कार्यकाल में युद्ध हुई पाकिस्तान बांग्लादेश दो भाग में बढ़ गए तो हम अनुभव कर सकते हैं कि आज के समय में कतका बड़ नेता रही से वही स्थिति आज है जब सर्जिकल स्ट्राइक करे जाते तब मोदी के ताकत समझ में आते विदेश नीति के मामला में है विदेश जब जाते अमेरिका में कैसे हुआ थे तेकर बाद तो ये जो ताकत जो उन्हें मोर ये कहना है मैं ककर ऊपर आरोप नहीं लगाऊं लेकिन जब जब ताकत आ जाते कोई भी व्यक्ति हो सरकार हो थोड़ा और ज्यादा विनम्र हो जाना चाहिए अहंकार के जमाने में विनम्र होके जनता से सब झल्ला साथ लेकर के मोदी जी ये बहुत बड़े बात करी कि दूसरा पारी शुरू होते कि सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास के बात करी तो आज स्थिति जो है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण से धर्म के आधार के देश कहीं ना कहीं एक विवाद की स्थिति पैदा हो गए तो हमारे देश जो है भैया विभिन्नता में एकता अतका मजबूत है कि ऐसा राजनीतिक मन के बतावा में आके चाहे वहां लगातार प्रदर्शन चलाते टुकड़े गैंग के बात आते कि आजादी चाहिए आजादी चाहिए काकर से आजादी चाहिए का बात करा था का बात बोला था तेकरो एक होना चाहिए पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के छात्र हो तो एक सीनियर सीनियर मन है तो उन मन ऐसे टाइप बात करी था हमारे गांव के मन है का सीखी का बात बोलना सिखाना चाहता था तो मोर कहना ये है कि डिसीजन ले समय सरकार ला कहीं ना कहीं एक मन से यू पक्ष ला सुनना चाहिए निंदक निंदे राखी में कहता हूँ कि अगर कहीं आंदोलन प्रदर्शन के अधिकार है वो मन कुछ बात ला बोला थे तो कर संशोधन करे जा सकते अब बात कही थोड़ी कहना करें यही चीज ला कही कि विरोध प्रदर्शन वो एक दबाए के जो बात आते विपक्ष ला दबावा देते तो एक मामला जब लोकसभा पास हो गए राज्यसभा पास हो गए राष्ट्रपति के मुहर लग गए तो जो जतका जन बात करते सीए के जगह में नासिक बात करते जन्म पत्र कहाँ लाइए अरे भैया सीए तो तोर पर नो है पहली तो आदमी समझ जाए धीरे धीरे आज जाते जनता लेती समझ में आते है नागरिकता दे बारे मैं नहीं कहा था हम पर प्रधानमंत्री कहा थे जो जी एक बड़े जन समर्थन से बने हुए हैं तो वो लगकर ऊपर विश्वास सरकार ऊपर कड़ेल में बार बार कहता हूँ सरकार ऊपर विश्वास पुलिस के ऊपर विश्वास हम अलग रखना चाहिए और सरकार पुलिस के भी दायित्व कि ऐसे काम करे कि जनता के विश्वास बने रहे अब जहां तक एनआरसी के बात लेकर जगह जगह प्रदर्शन होते तो अभी तो आए च नहीं है वो कैसे आई लेकिन सरकार अत्यंत विरोध प्रदर्शन से जो भी कमी है बांग्लादेश एनआरसी के चलत हुए कि वही मतलब फिर हिंदू मतलब लान के वहां नागरिकता मिल जाए लेकिन पाकिस्तान में जो स्थिति वहाँ का हमारे हिंदू मतलब लेकिन धर्म जाति के आधार पे जो उन बात होते हैं ना तेकर बात होते कि आज के समय में हमारा देश जो है तो सब धर्म सब जाति संप्रदाय साथ लेके चले हम संविधान के आदेश से तो एक कौन निकाले एक बात में को उल जोड़ देती है तो धर्म के आधार पे काबर डिसीजन होते ये एक बात है तो जो पूर्ण बहुमत के सरकार है तो वो अपन नीति ला क्रियान्वित करते लेकिन विनम्रता के साथ सबो पक्ष ला सुने जाए सबो के अपन में कुछ कमी है तेला स्वीकार करना एक बड़ा पद जी तो कहे मतलब ये है कि जब नवा सरकार के गठन होते हैं चाहे हम जाए और नेता मन एक दूसरे के प्रति जब बात करते थे तो ऐसे भाषा का उपयोग करें कि सम्मान के रूप में करे जाए कि जी हाँ बोलो बोलो आप बोलो जी मैं वही कहना चाहता हूँ कि चाहे केंद्र के सरकार रहे चाहे राज्य के सरकार रहे जब भी नवा सरकार के गठन होते तो अपन हिसाब से बहुत कुछ परिवर्तन उमन करते और ये परिवर्तन आगू नजर भी आते फिर जब भी कोनो प्रकार के परिवर्तन करे जाए तो बिल्कुल आप मन के कहना सही है कि दोनों पक्ष के बारे में सोच लिया जाए कि कोनो भी पक्ष ला कोनो प्रकार के नुकसान झन हुए कोनो प्रकार के परेशानी के सामना झन पड़े लोकतंत्र की मजबूरी जी जी चलो तो कहे का मतलब ये है कि जो सरकार है जब गठन होते नवा सरकार के तो परिवर्तन देखे बर मिलते लेकिन अब हमन ये उम्मीद कर सकत हन कि जो दोनों पक्ष है उखर बात ला सुने जाए और फिर अच्छा ढंग ले कोई एक ऐसे निर्णय लिए जाए जेखर ले कोनो ला कोनो प्रकार के परेशानी झन हो हमर संग मौजूद रही हैं वरिष्ठ हमर प्रेस के जो अध्यक्ष रहीन है पूर्व अध्यक्ष और संगे संग वरिष्ठ पत्रकार है
वो मौजूद रहे हैं, के शर्मा जी संगे संग सामाजिक कार्यकर्ता हमर संग मौजूद रहे हैं। आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद कि हमर संग जबर खबर में आप मन जुड़े हो, इतना सुघर ढंग ले हमला पूरा जबर खबर के पूरा एनालिसिस करके आप मन बताए हो। तो आज के जबर खबर के ये जो दिन भर के जो सुर्खी रही से ओला आप मन जाने हो, पूरा उखर चर्चा परिचर्चा में आप मन शामिल हुए हो। तो दिन भर के जबर खबर के संग फिर से आप मन सो भेंट हो ही, मोला दो विदा, जय जोहार।